मुदा खिमसर की जनता परिवर्तन चाहती है, सत्ता के साथ रहना चाहती है। जब सत्ता के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। जनता कब जनता रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग। जब राम हनुमान जी वो पढ़ते थे ना जयपुर, तब मैं सरपंच बन गया आलम से, ठीक है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और जिसमें मुख्य सीट है खींवसर विधानसभा सीट है। और आज हम यहाँ पहुंचे हैं रेवंत राम जी डांगा के पास और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और 2023 में विधानसभा में ये प्रत्याशी रहे थे। और आज इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये किन किन मुद्दों को लेकर खींवसर की सीट पर वापस उपचुनाव लड़ रहे हैं। रेवंत राम जी, आपका पहले तो राजस्थान तक पर स्वागत है। आपका आभार, आप आए लेकर आप विधानसभा के उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुदा खिमसर की जनता परिवर्तन चाहती है, सत्ता के साथ रहना चाहती है। जब सत्ता के साथ रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। जो पिछले 20 साल से जो क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है, वो क्षेत्र का विकास होगा। मेन महत्वपूर्ण पानी की, यहाँ दूर दराज डाणियों में गाँव में पानी का अभाव है, तो पानी का स्रोत होना चाहिए। पहले आप हनुमान बेनीवाल आपके सामने थे विधानसभा में और अब उपचुनाव में भी उन्होंने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आप पहले हनुमान बेनीवाल के सेनानायक थे लेकिन अब आप उनके सामने हो, आप कैसे मान रहे हो? सेनानायक नहीं, हम तो कंधे से कंधा मिला के सहयोग करते हैं। जहाँ जिस पार्टी जिसके साथ रहते हैं वो तो करते ही बनता है, मजबूती के साथ रहते हैं, मजबूती को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको राजा के सामने ही एक सेनानायक को खड़ा होना पड़ा? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, राजा जनता होती है। जनता कब जनता रंग को राजा बना देती है और राजा को रंग बना देती है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं थे, हमारे कोई राजा नहीं थे। हम तो एक बड़े बराबरी के थे और मजबूती के साथ हम लड़ते थे और मजबूती के साथ रहते थे। नेताजी की हनुमान बेनीवाल बोल रहे कि मेरी ही ट्रेनिंग, स्कूल से ट्रेनिंग लेकर जो निकले हैं और आज वो मेरे ही सामने खड़े हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो कैसा राम जी, उनका विवेक है, वो बेखूबी बातें करते रहते हैं। वो बेखूबी बातें करते रहते हैं। जब राम हनुमान जी वो पढ़ते थे ना जयपुर, तब मैं सरपंच बन गया आलम से, ठीक है ना। तो स्वर्गीय हनुमान जी के पिताजी रामदेव जी जो विधायक थे, उनके साथ में दो चुनाव विधानसभा का रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिला मैं, जैसे आज हो जैसा था। हनुमान जी से 10 साल बड़ा हूँ उम्र में, और मैं शुरू से, मेरा पिताजी 30 साल सरपंच थे, तो मैं राजनीतिक दिनचर्या में लोगों का सेवा करने का काम करने, क्यों मेरे पिताजी सरपंच थे तो मैं तो समझा पिताजी मेरे सरपंच थे, तो हाव भाव तो हमारा लोगों से आम जन से जुड़ाव था। तो हम तो तटस्थ थे, आम लोगों के बीच जाना आना दिनचर्या में, इस दिनचर्या में रहते थे। तो हनुमान जी तो वहां पढ़ते थे और मैं यहाँ साहब के रामदेव जी के पास जहाँ भी जीप लो। हनुमान जी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? तो सरासर गलत है, सारे सबको डाल के मेरी स्कूल से निकले। हनुमान जी की कौन सी स्कूल थी? आरएलबी स्कूल बता रहे अपने, आरएलबी तो 18 में बनी थी, हम सब मिलकर बनाई आरएलबी। हम सब लोग हम संग एक एक हम रैली करी थी, एक एक रैली में हमारी गाड़ी का 10-10 हजार किलोमीटर गया था। एक एक महीनों एक एक रैली, 2-2 महीना थी हमने रात और दिन। हनुमान जी तो सो रहे थे और मैं घूम रहा था, और हमारे साथी किसान भाई घूम रहे थे, सारे लोग सब लोग मिलकर पार्टी बनी। हनुमान जी को अकेले थोड़ी है, बिल्कुल हनुमान जी मुख्य थे, तो हम सब सारे मजबूती के साथ थे तब पार्टी बनी। ये थोड़ी है कि अकेले आप कह रहे हो राजा, राजा ही कोई लोकतंत्र में कोई राजा होता है क्या? वहां राजा तो वहां है जो कंट्री देश है, वहां है राजा। हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं, हिंदुस्तान में जनता राजा है। कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हो? 25 तारीख को। कौन कौन आ रहे हैं? सारे नेतागण आ रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल जी शर्मा साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब मदन सिंह जी राठौड़, सारे तमाम मंत्रीगण, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रभारी जी से संयोजक, सब लोग खींवसर आ रहे हैं। और आम जन अपना नामांकन खुद तय करेगी, खुद भरेगी और मजबूती के साथ भरेगी। मजबूती के साथ खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी
और इस बार क्यूंसर की जनता ही चुनाव जीतेगी। रेवंत राम जी, एक सवाल आपसे है कि हनुमान बेनीवाल भी अपने भाषणों में लगातार 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि वो भी बोल रहे हैं कि क्यूंसर की जनता चुनाव लड़ रही है। आपके भी मैंने 2-3 भाषण सुने जिसमें आप भी बोल रहे हो कि क्यूंसर की जनता ही चुनाव लड़ रही है। आखिर चुनाव कौन लड़ रहा है, क्या है? वो तो सब जनता वो बोले, उनका विवेक है, कैसा बोले नहीं बोले। जनता का प्रेशर अलग है, इस बार जनता का प्रेशर अलग ही है, तो कोई भी बड़ा नेता हो वो मार्ग पे आना ही पड़ता है। जनता ही होती है लोकतंत्र में मजबूत जनता, तो इस बार जनता का अलग ही रवैया है और जनता परिवर्तन करेगी। और मैं तो जनता के साथ सादगी से रहता हूँ और जनता के बीच ही रहता हूँ। एक प्रतिनिधि के रूप में पार्टी हमें चुना है, जनता की आवाज थी, जनता का मन था। 36 करोड़ में लोगों के मैं बीच रहता हूँ, लोग हमें याद करते हैं, प्यार करते हैं। तभी तो ये हुआ था जो विधानसभा में 2059 वोटों से आप पीछे रह गए। लोग हमें बुलाते हैं, लोग लाड प्यार रखते हैं और मैं भी जाता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ। तो ये हमारा तो बिल्कुल ये है कि खिमसर की जनता ही चुनाव लड़ रही है। ये थे हमारे साथ रेवंत राम जी डांगा, जो पिछले 3-4 दिन से इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो चुनाव प्रचार में और आम लोगों से मुलाकात करने के लिए घूम रहे थे।